चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम आपसे बातचीत करेंगे बीईओ और इसके साथ ही अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के उस महत्वपूर्ण भाग पर जो एग्जाम की दृष्टि से सर्वाधिक अंकों को अपने साथ समाहित किए होता है। दोस्त, हम बात कर रहे हैं समसामयिक मुद्दों की। समसामयिक मुद्दा हमारे जीएस का वह पार्ट होता है जो प्रत्येक विषय के साथ कोरिलेट होकर के अपने महत्व को समाहित किया होता है। आइए दोस्त, आज हम बात करेंगे आपसे इस वर्ष 2019 के सबसे बड़े चर्चित मुद्दे पर जो कि बच्चों बच्चों के जुबान पर छाया हुआ था, अयोध्या मामला। आइए दोस्त, अयोध्या विवाद पर बातचीत करते हैं। तो अयोध्या विवाद को हम जिस नजरिए से देखेंगे वो हमारा नजरिया है अयोध्या विवाद, उसका एक समग्र अवलोकन। अयोध्या विवाद उसका एक समग्र अवलोकन। आइए दोस्त, अयोध्या विवाद को हम आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के चलते हैं कि सर्वप्रथम कहां से क्या प्रारंभ हुआ और किस क्रम में क्या क्या परिवर्तन होते रहे, क्या क्या घटनाएं घटी, और वहां से हम लेकर के चलते हैं आपको आज तक। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले बिंदु पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम बात करते हैं वर्ष 1528 ईस्वी पर। 1528 ईस्वी में सर्वप्रथम क्या घटना घटी, तो ध्यान दीजिएगा कि ये 1528 ईस्वी हमारा वह दौर है जब सर्वप्रथम यहां पर मुस्लिमों का, या यहां पे हम कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म की ओर, या हमारा जो मुगल काल था भारत में आ रहा था और मुगल वंश की स्थापना हो रही थी, उसी दौरान सबसे पहला घटना यहां पर घटित हुआ। क्या कि 1528 ईस्वी में पहले मुगल बादशाह बाबर के एक करीबी सिपहसालार मीर बाकी, सिपहसालार सेनापति को संबोधित किया जाता था, मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाया और यह कहा जाता है कि वहां पर पहले से राम जन्मभूमि था। कुछ जगह पर यह 1526 भी दिया हुआ है, लेकिन आप अगर मध्यकालीन इतिहास को अगर आप देखते हैं तो आपको घटना मिलेगा 1528 का कि इस पे इसने एक मस्जिद बनवाया था और यह अंदेशा लगाया गया कि यहां पर पहले से मौजूद क्या था, पहले से वहां पर मौजूद था राम जन्म भूमि। यह हमारी घटना थी कब की, 1528 ईस्वी की। दौर आगे की ओर बढ़ा और जब हम आए 1853 ईस्वी के क्रम में, तो 1853 ईस्वी के दौर में हम देखते हैं कि इस स्थल को लेकर हिंदू मुस्लिम, देखिए जो हमारे दंगों का सिलसिला शुरू हुआ वो 1853 ईस्वी की घटना है कि हिंदू मुस्लिम दंगों या दंगा प्रारंभ हुआ और इसमें लगभग मारे गए कितने लोग, 75 लोग मारे गए। फिर इसके बाद घटना आगे की ओर और मूव किया और बात है 1949 ईस्वी की। जब 1949 ईस्वी का दौर आया तो इस समय क्या महत्वपूर्ण घटना घटी कि हिंदुओं के समूह द्वारा मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई। कहां, जहां पर 1528 ईस्वी में मीर बकी ने बनवाया था, क्या मस्जिद बनवाया था, यहां पर क्या कर दिया, मूर्ति स्थापित कर दी गई। और मुस्लिमों के विरोध के बाद सरकार ने उसके बाद किया क्या कि उस विवादित घोषित करके पूजा स्थल पर लगावा दिया क्या, ताला। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न यहां पर पूछता है कि मुगल काल के पश्चात राम मूर्ति स्थापित होने के बाद सर्वप्रथम पूजा पर निषेध या रोक कब लगाया गया था, तो यह ध्यान दीजिएगा यह घटना कब की है, 1949 के दौर की है, या कब ताला लगाया गया, तो ये इस संदर्भ में इसको देखेंगे। जब हम आगे की ओर आएंगे तो हम और आगे बढ़ते हैं तो दौर आता है 1984 ईस्वी का। 1984 ईस्वी में महत्वपूर्ण घटना क्या घटी थी कि विश्व हिंदू परिषद जो समर्थक था राम जन्मभूमि का, इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए राम जन्मभूमि
का आंदोलन प्रारंभ किया था? प्रश्न ये आपसे बन सकता है कि 1984 ईस्वी में राम जन्मभूमि विवाद को लेकर के आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? अब यहां से आरएसएस को दे सकता है, काफी हाइलाइटेड मुद्दा है, और वो विश्व यहां पे कर सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद और ऐसे कई संस्थानों को वो डाल सकता है। तो 1984 में किसने यहां पे प्रारंभ किया? विश्व हिंदू परिषद ने। आगे देखिए साहब, घटना क्या घटती है। 1986 का जब दौर आया तो घटना है 1 फरवरी को फैजाबाद जिला जज के द्वारा ये जो ताला बंद कराया गया था, इस जो यहां पे ये देखिए ताला बंद कराने की जो बात की गई थी, यहां पे द्वार खोलने का फिर से निर्णय दे दिया गया। और जब इसका आदेश दिया गया तो हिंदुओं को पूजा स्थल में, पूरा लिखा हुआ है यहां ध्यान देंगे, पूजा स्थल की बात हो रही, प्रदान किया गया। अब यहां से क्या हुआ, सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई, अर्थात यहां से एक एक्शन कमेटी बनी। तो अब देखिए प्रश्न यहां से बन सकता है कि किस आदेश के पश्चात अयोध्या वर्षित बाबरी मस्जिद विवाद पर हमारी एक्शन कमेटी निर्मित की गई थी। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि फैजाबाद जिला जज द्वारा जो दरवाजा या द्वार खोलने, या केवल फैजाबाद जिला जज भी हो सकता है ऑप्शन में, के द्वारा जो निर्णय दिया गया था उसी पे बनाई गई थी कौन सी कमेटी, एक्शन कमेटी बनाई गई थी। और जब हम 1989 के दौर में आते हैं, जब हम इधर की ओर आते हैं, तो 1989 के दौर में हम ये देखते हैं कि 10 जुलाई को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने को मामले को लाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोगों का ध्यान सुप्रीम कोर्ट की ओर फंसा हुआ है और यूपी स्पेशल के तहत इलाहाबाद में मामला, जो हमारा इलाहाबाद के लखनऊ पीठ में मामला चल रहा था, यह बात आपसे पूछी जा सकती है। आप थोड़ा सा बिंदुओं पर गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा आप बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा कि 1989 सन पूछता है कि सर्वप्रथम फैजाबाद जिला न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मामला कब लाया गया। अगर सन पूछता है तो 1989 और अगर डेट पूछता है तो 10 जुलाई 1989 1989। आइए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और अगले क्रम पर ध्यान देंगे कि दौर आया 1990 ईस्वी का, घटनाएं आगे की ओर बढ़ती रही। 1990 ईस्वी में राम मंदिर के समर्थन में लाल कृष्ण आडवाणी की जो सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा चल रही थी उसको रोक दिया गया, कहां पर, बिहार में। वो उसी को लेकर के आंदोलन प्रेरित करके उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया था, इस जो इनके अयोध्या की इनकी रथ यात्रा थी, ये ध्यान दीजिएगा ये यात्रा रथ यात्रा थी, इसको रोक दिया कहां पर, बिहार में। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर बनवाने के पक्ष में अपनी यात्रा, सोमनाथ मंदिर गुजरात की ओर लेके, तो गुजरात से जो इन्होंने प्रारंभ किया था किस राज्य में रोक दिया गया, तो यहां पर वो होगा बिहार। और कहा कि गुजरात से कहां पर लाने का, तो ये अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश, इस बात को ध्यान दीजिएगा। फिर बातें आगे की ओर बढ़ी, लाल कृष्ण आडवाणी को जब ये रोका गया तो यहीं से राम मंदिर के पक्ष वाले समर्थकों में यहां पे आक्रोश आया, क्रांतियां करने की इनके अंदर विचारधाराएं आई। और जब 1990 के ठीक दो वर्ष बाद दिन था 6 दिसंबर को, हिंदू कार सेवकों के एक जत्थे ने बाबरी मस्जिद गिराई, अर्थात इसको इन्होंने विध्वंस कर डाला। ये बातें थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा भाजपा के हमारे एक राज्यपाल यहां पे कल्याण सिंह, जो कि इस कार सेवक में इसमें उनके ऊपर केस था, थोड़ा सा विपक्ष के द्वारा चर्चाएं उठाई गई कि इस तरीके से विवादित है। तो इस डेट को आप याद रखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और देश के अनेक भागों में उसी दौरान भड़क गया क्या, दंगा। चीजें आगे की ओर बढ़ती रही, घटना वहां से हो गई, सब कुछ दंगा हुआ, फिर वहां पे सैन्य बल लगा दिया गया, चीजें आगे की ओर आई।
दौर आया 2003 ईस्वी का, जब 2003 में क्या हुआ कि न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की गई खुदाई ने विवादित स्थल पर ढांचा होने का साक्ष्य यहां पर प्राप्त किया गया कि जो विवादित जमीन है इसके नीचे राम मंदिर का या राम मूर्ति का कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ था, ये होने का साक्ष्य मिला। परंतु मुस्लिम समुदाय ने इस साक्ष्य को मानने से इनकार कर दिया। वो एएसआई की रिपोर्ट थी, तो ये 2003 की घटना थी जब सर्वप्रथम यहां पर मंदिर होने का साक्ष्य प्राप्त किया गया। दौर और आगे की ओर बढ़ा और घटना आई 2005। 2005 के आलोक में हम देखेंगे या 2005 के समय देखेंगे कि विवादित स्थल पर आतंकी हमला, विस्फोटकों से लगी जीप से सुरक्षा दीवार को तोड़ने का प्रयत्न किया गया और जवाबी कार्यवाही में सभी आतंकी मारे गए। 2005 में आतंकी हमला अयोध्या में कराने का प्रयास किया गया था, जीप में विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों को रख करके अयोध्या में प्रवेश कराया गया और जो एक सुरक्षा दीवार बनाई गई थी कि कोई विवाद न होने पाए, सांप्रदायिक दंगा न भड़के और जनमानस को शांत भाव से रहने के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं थी उसे ध्वस्त करने का आतंकियों के द्वारा प्रयास किया गया और ये प्रयास असफल हो गया। क्यों? क्योंकि मारे गए सारे के सारे आतंकी। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अयोध्या में या अयोध्या वर्सेस बाबरी मस्जिद विवाद पर आतंकी हमले की नाकाम कोशिश किस वर्ष की गई थी? साहब ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2005। आगे के दौर में आते हैं और लेते हैं वर्ष 2010 को। कह रहा कि 30 सितंबर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो अपना फैसला सुनाया था वो कितने पीठ सदस्यी पीठ थी? तो 3 न्यायाधीश थे, 3 सदस्यी पीठ थी। अपने फैसले में विवादित भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, देखिए पार्टी नंबर 1, निर्मोही अखाड़ा पार्टी नंबर 2 और रामलला की का प्रतिनिधित्व करने वाला पक्ष पार्टी नंबर 3। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1/3 मतलब बराबर बराबर 3 के 3 को दे दिया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया। आपसे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कि अब उसका खंडपीठ था लखनऊ, ये ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय ने किस वर्ष या किस तिथि को अपना अंतिम फैसला सुनाया था? तो 30 सितंबर 2010। आगे देखिएगा और इस तरीके से 1/3 देने की बात इन्होंने कह दिया, ठीक है। घटना आगे की ओर बढ़ी और वर्ष 2011 के संदर्भ में देखते हैं। 2011 में दिन था 9 मई, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित करने वाले आदेश पर रोक लगा दिया। सीधे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद का जो भी फैसला था 1/3 देने का, उसने उस पर रोक लगा करके उस पर सुनवाई या उस पर बहस करने या उस पर कार्यवाहियों के सर्वोच्च न्यायालय में अनुमति प्रदान करके रोक लगा दी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस तिथि को या कब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को मानने से या के फैसले पर रोक लगा दिया था? 2011 दिन था 9 मई। आए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2011 तक घटना घटी और उसके बाद सबसे जो यहां हमारा कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय या सबसे ज्यादा उजागर मामला, सबसे ज्यादा उत्सुकता वाला मामला घटना घटा कहां? वर्ष 2019 में। 2019 में क्या हुआ आइए क्रम से देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे बात करें तो 6 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश, 6 अगस्त को वो कौन सी तिथि थी जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित किया था, दिया था, घटना अलग होगी और सुरक्षित किया था अलग होगा, उसका दोनों का उत्तर अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि 6 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में
पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले की रोजाना सुनवाई प्रारंभ कर दी। अब यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करने वाले जो पांच सदस्य, यहां पे भाई पांच न्यायाधीशों की पीठ थी, तो पांच सदस्य पीठ हुई, तो देखिए मुख्य न्यायाधीश कौन थे, रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस एस ए बोबड़े थे, इनके अलावा डी वाई चंद्रचूड़ जी शामिल थे और अशोक भूषण के साथ और एक लोग थे, एस अब्दुल नजीर साहब थे। ये पांच हमारे न्यायमूर्ति अर्थात न्यायाधीशों की पीठ थी जिन्होंने जिन्होंने किया था क्या, अयोध्या विवाद पर अंतिम फैसला, या ये यहां पर सुनवाई, या उस पर उसने यहां पे लगातार सुनवाई में अपना योगदान दिया। दौर आगे की ओर बढ़ता रहा और आगे देखिएगा इस क्रम में कि अगला 2019 की अगली घटना क्या घटी कि इस संवैधानिक पीठ ने 16 अक्टूबर को लगातार 40 दिनों की सुनवाई के बाद अपने फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा। अच्छा ध्यान दीजिएगा यहां से, हां कि 6 अगस्त को सुनवाई प्रारंभ किया था और यहां पे 6 अगस्त को सुनवाई प्रारंभ किया था, 16 अक्टूबर को इसने क्या किया, इसने फैसले को सुरक्षित रखा। तो प्रश्न दोनों तौर पे ध्यान दीजिएगा कि सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई कब प्रारंभ की गई, तो वहां इस संदर्भ में ध्यान देंगे 6 अगस्त, और सुरक्षित कब रखा गया, तो 16 अक्टूबर। अब यहां से एक जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से कोरिलेट होता है। क्या कोरिलेट होता है कि ध्यान दीजिएगा कि 16 अक्टूबर को लगातार 40 दिनों की सुनवाई के बाद फैसले को अपने पास सुरक्षित रखा था, ठीक है। आगे देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई करने वाला दूसरा सबसे लंबा वाद था। अब अगर दूसरा सबसे लंबा था तो आपसे पूछ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार कार्यवाही का पहला सबसे बड़ा अगर वाद की बात करता है तो ध्यान दीजिएगा कि प्रथम इस श्रेणी में था केशवानंद भारती वाद, और पूछता अब ये 40 दिन चला तो बड़ा वाला कितने दिन चला था, 68 दिन लगातार चला हुआ था। आए दोस्त आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं 9 नवंबर पे। तो 9 नवंबर हमारा वह दिन है जहां पे वे जो सुरक्षित किए गए हमारे फैसले थे उनको पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अपने सर्वसम्मति अर्थात आपसी सहमति से यहां पे अंतिम फैसला सुना दिया। करा राम मंदिर निर्माण के लिए 2.77 एकड़ की जो विवादित भूमि थी इसको एक ट्रस्ट को देने का आदेश दिया, और इसने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का आदेश दिया। दो बातें यहां पे, राम लला को या राम मंदिर बनाने के लिए कितनी भूमि दी गई, 2.77 एकड़, कुल कितनी भूमि पर विवाद था तो वो भी हमारा है 2.77 एकड़। यहां पे सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए कितना दिया गया, तो 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन देने की बात की गई है, ठीक है। हमने यात्रा शुरू किया 1528 से लेकर के 2628 से लेकर के 2019 तक। अब आइए आपको लेकर के चलते हैं यहां पे आज के इस करंट अफेयर्स के उन 10 टॉप मोस्ट प्रश्नों को जो अयोध्या विवाद से थोड़ी समझ वाले, थोड़े सरल, थोड़े से अच्छे प्रश्नों की ओर। आइए दोस्त चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1, अब देखिए बाकी जो चीजें हमने वर्णन कर दिया वहां से प्रश्न की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने यहां से जीएस, अब देखिए इसको जीएस से भी कोरिलेट करके कैसे पूछा जा सकता है कि अयोध्या में कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी है, सरयू नदी। अब आइए प्रश्न नंबर 1 था, अब 1 को पूरा करते हैं कि के तट पर निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्थित नहीं है, जो नहीं है उसके बारे में बताना है। चलिए थोड़े से टिपिकल हमने लिए, क्या दोहरी घाट नहीं है, क्या बरहज नहीं है, क्या गोला नहीं है, और कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सरयू नदी के तट पर ये ए भी है, दोहरी घाट भी है, बरहज भी है, गोला भी है, तो इसका मतलब कि ये सभी है तो इनमें से कोई नहीं, इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
आगे की दौर आगे की ओर आते हैं, सरयू नदी का अन्य नाम क्या है? तो अगर हम सरयू नदी के अन्य नाम की बात करते हैं तो दोस्त कह रहा क्या इसका अन्य नाम शारदा है, अन्य नाम घाघरा है। कह रहा कि क्या ए बी मतलब शारदा घाघरा दोनों है? कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इसका अन्य नाम शारदा व घाघरा दोनों है। नेक्स्ट कम पर आएंगे और यहां पर ध्यान देंगे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कितने सदस्य पीठ ने फैसला सुनाया था। देखिए हमने फोकस किया था कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुल 3 सदस्य पीठ अर्थात 3 न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था, तो यह होगा 3 सदस्य पीठ। आगे की ओर बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया है? 1145, 1245, कह रहा 1345, 1045 द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1045। प्रश्न नंबर 5 आएंगे और ये देखिएगा, कह रहा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अशोक भूषण, डी वाई चंद्रचूड़ तथा एस ए बोबड़े के साथ किस पांचवें जज ने मिलकर के या पांचवें जज मिलकर के जो संवैधानिक पीठ बनी ने फैसला सुनाया? कह रहा अकील अब्दुल कुरैशी साहब थे, कह रहा कि मोहम्मद रफीक थे, एस अब्दुल नजीर थे, राधा कृष्ण पाठक थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एस अब्दुल नजीर। प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया है? कह रहा बाल स्वरूप राम लला को, कह रहा निर्मोही अखाड़े को, राम जन्मभूमि न्यास परिषद जो है उसको, और उसने कहा कि क्या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाल स्वरूप राम लला को देने की बात की गई है। प्रश्न नंबर 7 के क्रम पर आएंगे और प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिया है? कहा क्या समिति बनाने का, क्या ट्रस्ट बनाने का, क्या कानून बनाने का? कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर ट्रस्ट बनाने का यहां पर निर्देश दिया गया है। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 के क्रम पर आएंगे और प्रश्न नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी का कोरिलेट होने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77, अब कुल भूमि भी पूछता है, तो देखिए हमने यहां प्रश्न के माध्यम से इंक्लूड कर दिया, 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने को कहा। कह रहा अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 182 और अनुच्छेद 112। तो इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 142। प्रश्न नंबर 9 के क्रम पर आएंगे, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी? कह रहा है इसरो, सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई और इनमें से कोई नहीं। इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एएसआई। और हम बात करेंगे आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर के सबसे लास्ट प्रश्न की, तो लास्ट प्रश्न के क्रम पर ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद के मामले में किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को गवाह के रूप में शामिल किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहां से अपक्ष बनता है। कह रहा क्या वाल्मीकि रामायण को, स्कंद पुराण को? कह रहा कि वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण दोनों को। कह रहा इनमें से कोई नहीं। इज द राइट आंसर प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार आज के लिए ये हमारा टॉप मोस्ट था करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हम यहां आगे की घटनाओं के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।